देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ काविंद्र चौहान हूं। दोस्तों, देश के घरों में आज मौजूद टीवी आज आपको बता रहा है कि देश में सबसे बड़ी समस्या का दरअसल समाधान हो चुका है। आर्यन खान को जमानत मिल गई है। सुबह से लेकर शाम तक टीवी पर शाहरुख खान, आर्यन खान, कोर्ट, वकील और पुलिस, यही सब कुछ तस्वीरें तो तैर रही थी। अब मुमकिन है कि कल से टीवी फिर आपको चुनावी दुनिया की सैर कराएगा। खैर, दर्शक अपनी रुचि के हिसाब से टीवी देखें, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन क्या टीवी आपको पाबंद कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा खुलकर चर्चा करें। दोस्तों, आर्यन खान को जो गोसावी कल तक भगाते हुए बंद कमरे में ले जा रहा था, आज उसको पुलिस भगाते हुए अपने कमरे में ले जाती दिखी। महाराष्ट्र और बंगाल दोनों ही प्रदेश अपने आप में अनोखे हैं। दोनों ही राज्यों में रोमांच है, जहां जांच एजेंसियां किसी को पकड़ती हैं, कुछ दिन बाद जो जांच कर रहा होता है उसे ही पकड़ लिया जाता है और फिर उस पर जांच शुरू हो जाती है। जो जांच अधिकारी अब खुद जांच के फेर में है, तो ऐसे में जो जांच वो कर रहा था, वो जांच अब कौन कर रहा है? और जो इनकी जांच कर रहा है, वो आखिर क्यों कर रहा है? और जब वो किसी जांच के बीच थे, तभी अचानक कोई पुराना मुद्दा उनकी जांच का विषय कैसे बन जाता है? बात बहुत पेचीदा है। बंगाल में एक सेंट्रल एजेंसी किसी को पकड़ने जाती है तो पता चलता है कि खुद ही पकड़ जाती है। महाराष्ट्र में सबसे अमीर शख्स के घर के बाहर एक कार मिलती है। जांच करते हैं सचिन वाजे साहब। बाद में पता चलता है कि जो जांच कर रहा था वो ही कातिल है, और वो जो जांच गुम हो जाती है, लेकिन पुलिस कमिश्नर और एक मंत्री की पोल खोल जाती है। अब समीर वानखेड़े जांच अधिकारी हैं आर्यन खान के मामले में, जो अब खुद मुंबई पुलिस की जांच के रडार में है। खैर, ये सब ड्रामा है। ड्रामा इसलिए है क्योंकि इसमें सियासत का तड़का है और पैसों का भोग लगाया जाता है। बाकी फ्री का चंदन है, सब में बटता है। बाकी बात आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर। आर्यन खान केस को देखते देखते ख्याल आता है कि ना जाने कितने आर्यन खान देश की जेलों में बंद होंगे, जिनके पिता ना तो शाहरुख खान है, ना ही महंगे वकीलों की उनके पास फौज है, ना ही उनकी सुनने के लिए भागते दौड़ते मीडिया कर्मी दिखते हैं। तो दोस्तों, देश की जेलों और वहां बंद कैदियों के हालात बहुत अधिक खराब हैं। बीते साल दशकों से जेलों में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से जेल में बंद कैदियों को नरकीय जीवन जीना पड़ता है। और तो और, कई कैदी तो इतने गरीब हैं कि बेगुनाह होते हुए भी उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से वो जेल की चार दीवारी में बंद हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। जेल विभाग में सालाना तौर पर 30-40% पद खाली रह जाते हैं। जेलों की व्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में कैदियों की पिटाई और उनकी मौतों के मामलों भी मानवाधिकार अधिकारों के लिहाज से एक बड़ा संकट है। एक बहुत व्यापक, नैतिक और पारदर्शी अभियान चलाए बिना और जवाबदेही तय किए बिना तो जेलों को आदर्श सुधार गृह में तब्दील कर पाना मुमकिन है। आर्यन खान और उनके जैसे सुविधा संपन्न अन्य अंडर ट्रायल कैदियों के लिए देश में जमानत मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। कहना गलत नहीं होगा कि भारत में अपराध के हिसाब से गुर्दोष देखते हुए जेल में अंडर ट्रायल कैदियों को रखने की एक समय सीमा तय की जानी चाहिए, जिसके उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। बाद बाकी जब अंतरिम जमानत जैसी व्यवस्था मौजूद है, तो इस स्थिति में किसी आरोपी की जमानत का लंबी चलने वाली अदालती औपचारिकताओं को पूरा करने के नाम पर बलि तो नहीं ली जा सकती। तो ये सब कुछ है, इसके साथ एक रिपोर्ट है, एक पैकेज है, उसको आप देखिए। फिर इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आप इस रिपोर्ट को देखिए। भारत की जेलों में तकरीबन 3,03,000 से ज्यादा ऐसे कैदी हैं जिनका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मामला हो या टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी का मामला, दोनों ही मामलों में सड़क से लेकर कोर्ट रूम तक सियासत तेज दिखी और बेल मिलने में रोज होती देरी रोज एक बड़ा मुद्दा बनता रहा। चूंकि बेल तो मिलनी ही थी, लेकिन बीतते समय के साथ माहौल गर्माता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2014 में ऐसे कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था जो कि विचाराधीन थे, और उनको मिलने वाली अधिकतम सजा की आधी अवधि जेलों में गुजार चुके थे। और इससे पहले भी समय समय पर इस तरह से विचाराधीन कैदियों को छोड़ा जा चुका है, लेकिन विचाराधीन रहते हुए कितने ही निरपराध लोग सजा काट जाते हैं, उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं। कानून की किताबों में समानता के कितने ही दावे किए जाते हों, लेकिन कानून सभी के लिए समान नहीं है, ये सभी महसूस करते हैं। आर्यन खान के पीछे महंगे वकीलों की फौज थी,
क्योंकि पैसा था और ऐसे में आज नहीं कल बेल मिलना भी तय था। सो आज बेल मिल भी गई, लेकिन क्या निर्धन लोग कानून में मिली ऐसी सहूलियतों का लाभ उठा सकते हैं? ये आज की सदी में जी रहे हर किसी के जहन में आना चाहिए। महज दो उदाहरणों से भारत के भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को समझा जा सकता है। जगजीवन राम यादव नाम के एक शख्स को 30 साल की उम्र में जेल भेज दिया गया था। जगजीवन पर आरोप था कि उन्होंने कथित तौर पर अपनी पड़ोसी की पत्नी की हत्या की थी। इस मामले में कोई मुकदमा या सुनवाई नहीं हुई। जगजीवन राम यादव ने बिना दोषी साबित हुए जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी के कीमती 38 साल बिता दिए। उन्हें 1967 में गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, जगजीवन की जमानत याचिका को खारिज करने की वजह भी चौंकाने वाली थी। एक निचली अदालत से उनकी जमानत याचिका इस वजह से खारिज हुई थी कि पुलिस रिकॉर्ड में इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज गायब थे। फैजाबाद के तत्कालीन एडिशनल सेशन जज लालचंद्र त्रिपाठी ने जगजीवन राम यादव की रिहाई के आदेश पर दस्तखत करते हुए लिखा था कि यह अफसोसजनक है कि जघन्यतम जुर्मों के मुलजिम बाहर आजाद घूम रहे हैं और ये शख्स बिना सुनवाई के 38 साल से जेल में पड़ा है। जगजीवन राम यादव को 18 जनवरी 2006 में जेल से रिहाई मिली थी। कहा जा सकता है कि शायद बिना किसी जुर्म के ही जगजीवन को 38 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने पड़े। इससे पहले उत्तर प्रदेश के रहने वाले विष्णु तिवारी भी 20 साल जेल में काटने के बाद निर्दोष साबित होकर बाहर आए। उन्होंने सजा किस बात की काटी, ये जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? उस थानेदार की जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया, सेशन से लेकर हाई कोर्ट के जज की कि उनको सुनवाई करने में 20 साल लग गए और एक निर्दोष व्यक्ति 20 सालों तक सिर्फ कोर्ट ट्रायल के बीच जेल में सड़ता रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या 3,30,487 है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत में 3,30,487 आर्यन खान है। अंडर ट्रायल कैदियों की यह संख्या दुनिया भर के तमाम देशों की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सवाल और भी हैं। कैदियों को बिना सजा हुए लंबे समय तक जेलों में पड़े रहने का कारण मुकदमों को निपटाने में लेट लतीफी और अभियोग पक्ष की लापरवाही है। साथ ही इस मुद्दे का संबंध जेल सुधारों से भी है। इसे लेकर चिंता के कई और बिंदु भी हैं। न्याय सुधार को लेकर चिंताएं। जमानत मंजूर होने पर भी रिहाई नहीं होती, क्योंकि जमानत कोई लेने वाला ही नहीं होता। जेलों में बढ़ती भीड़ से नारकीय जीवन जी रहे हैं कैदी। जेल अधिकारी की कैदियों के प्रति लापरवाही और घृणात्मक रवैया भी एक बड़ा सवाल है। कैदियों को कानूनी सहायता मुहैया नहीं कराई जाती। कैदियों के मानसिक उत्पीड़न पर भी सवाल उठने चाहिए, जो कि किया जाता है। तो अब ऐसे में आर्यन खान के केस के सहारे ही सही, सरकार और न्यायपालिका को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ठीक है, तो हर खबर को देखने के दो नजरिए होते हैं, दो परसेप्शन होते हैं हर किसी के। तो आज जब लोग इस खबर को इस तरह से देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, शाहरुख खान की मन्नत 25 दिन बाद कबूल हो गई, उनका जन्मदिन आने वाला है, तो जन्मदिन से पहले उनको तोहफा भी मिल गया। लेकिन मेरा परसेप्शन दरअसल कुछ और था। एक पत्रकार होने के नाते हर आम आदमी की बात को रखना, समझना और सोचना भी जरूरी है। तो ठीक है, आर्यन खान की बात है। आर्यन खान को आज नहीं कल जमानत मिलनी ही थी। पीछे एक भीड़ थी, एक फौज थी महंगे वकीलों की। तो कानून प्रक्रिया, न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है, इस पर भी गहन चर्चा करेंगे, बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल बख्शी साहब, हैं सीनियर एडवोकेट, हैं एक्स मेंबर भी हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के और एक्स प्रेसिडेंट हैं मेरठ एसोसिएशन, बार एसोसिएशन का। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल बख्शी साहब भारत एट नाइन में। ठीक है अनिल बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एट नाइन में। अनिल बख्शी साहब, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? धन्यवाद सर, आपकी आवाज आ रही है, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी?
ठीक है अनिल बख्शी साहब, दरअसल इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि आर्यन खान जो कि शाहरुख खान मशहूर अभिनेता हैं, जाने माने धन संपन्न अभिनेता हैं शाहरुख खान, उनके पुत्र आर्यन खान हैं जिनको 25 दिन के बाद आज जमानत मिल गई है। ठीक है, अंडर ट्रायल थे, आज जमानत मिल गई है, लेकिन ऐसे में एक नजर आई एक खबर कि इससे पहले भी हमने देखा है कि एक व्यक्ति था जिसको 37 साल के बाद उसको रिहा किया जा सका, वो अंडर ट्रायल ही रहा, उसकी किसी ने जमानत ही नहीं करवाई, 37 साल लग गए उसको बाहर आने में। एक विष्णु तिवारी थे, उत्तर प्रदेश के ही थे, उनको 20 साल लग गए। तो ऐसे अंडर ट्रायल जो लोग हैं वो 3,30,000 से भी ज्यादा हैं आज। तो ये क्या है जो इतने सारे लोग बंद हैं अंदर और ये अंडर ट्रायल चल रहे हैं, कोई जमानत करवाने वाला नहीं है, तो फेल्योर कहां नजर आ रहा है आपको? फेलियर जो है सिस्टम में है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज से करीब 40 साल पहले एक रूलिंग दी थी हुते नारा खातून के नाम, 40 साल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने हुते नारा खातून के नाम से। उसे ये कहा था कि हर 15 दिन में जो है मुलजिम कोर्ट में पेश होंगे, और फिर अभी लॉ अमेंड हो चुका है, अगर एक्यूज जो अपनी आधी सजा काट चुका है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, वो चल के कानून तो बराबर बन रहे हैं लेकिन कानून का पालन नहीं होता है। बिल्कुल भाई अनिल बख्शी साहब, ये भी है कि अगर हम जनसंख्या के लिहाज में लीगल एड टू पुअर है, जी, लेकिन क्या कहते हैं उसमें कुछ हो नहीं रहा है और सक्षम वकील जाते नहीं वहां पे, क्योंकि जो वकील जो करता है जो पढ़ लिख अनिल बख्शी साहब, इसमें पैसों का भी तो खेल नजर आता है कि न्यायपालिका जो है वहां पर पैसों का बड़ा खेल है कि ठीक है कोई अगर अमीर शख्स है उसके पीछे महंगे वकील हैं, उसकी जमानत भी हो जाती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कोई निर्धन है कहां पे नहीं है, कहां पे जी नहीं, पैसे का खेल कहां पे नहीं है दुनिया में, तो फिर न्याय मिलना कैसे समान हो पाएगा सबके जगह पे है। और हम लोग भी जुडिशरी में जो जी जुडिशरी में भी अगर जो आदमी आते हैं वो आम पब्लिक में आते हैं, कोई बाहर से आते नहीं, अब तो वहां आते नहीं है, तो जितने क्वेश्चन बाहर हमारे अभी, तो फिर न्याय मिलने में समानता कैसे दी जा सकती है, मतलब ये गंभीर सवाल है, ये किसी पर मैं आरोप नहीं लगा रहा, एक्सेप्ट कर चुके हैं। समानता असंभव है। और अनिल बख्शी साहब, जितनी जनसंख्या है, कोर्ट है, जितने केसेस पेंडिंग है, उसके लिहाज से जजों की भी कमी है, रिक्त पद है लेकिन जज अपॉइंट नहीं, कोर्ट कहां है सर, नहीं अदालतें हैं कहां सर, अदालतें बनी कहां है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पे है, वकीलों के चैंबर नहीं है, अदालत जज है ही नहीं, एक 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 कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में 500-550 केस लगे रहते हैं, और उसका उसमें जो अधिकारी होता है वो फाइल पर मौजूद के बाद सिग्नेचर करता है जितने केस होते हैं। तो ये जो जेलों में जो भारी भीड़ बनती जा रही है जहां पर इम्पॉसिबल है, जो केसेस जिसमें जिसमें अदालतों का इंटरेस्ट होता है वो तय हो जाते हैं। भाई अनिल बख्शी साहब, जो जेलों में जो भारी भीड़ बनती जा रही है, बाकी लटके रहते हैं, बहुत बुरी हालत है जी, और जेलों में भी हमने देखा है जिस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिली है, 100 की क्षमता वाली एक बैरिक है उसमें 150-200 लोग ठूस रखे हैं। देखिए मेरा मानना है कि आप राज्य तो जेल बढ़ाइए सर, आप मुलजिम क्यों छोड़ रहे हैं, आप गुनाहगार छोड़ क्यों रहे हैं, आप गुनाहगारों को छोड़ क्यों रहे हैं, आप बढ़ाइए, आप ये सोचिए कि आजकल जो हम लोग पहले शुरू में हिंदुस्तान टाइम इंडिया एक्सप्रेस अखबार पढ़ते थे, अब क्या पढ़ते हैं, पेज नंबर 3 पढ़ते हैं जो अपराध लिखा हो और भरे होते हैं, हर शहर में अपराध बढ़ रहे हैं,
अपराध बढ़े, आबादी बढ़ेगी तो जेल में भीड़ बढ़ेगी, उसका इलाज है कि जेल बढ़ाएं। बिल्कुल। और ये कोई ये नहीं है कि अपराधियों को इसलिए छोड़ दिया जाए कि कोविड हो गया है या क्या कहते हैं, ऐसा अपराध होना चाहिए। लेकिन अनिल बख्शी साहब, ये भी है ना कि जो निर्धन है, जो गरीब है, किसी मामले में फंस जाता है, अंडर ट्रायल है, लेकिन जमानत लेने वाला कोई नहीं है, तो वो निर्दोष भी हो सकता है और वो सजा काट रहा है। ऐसा ऐसे आपने खुद मामले देखे होंगे। मेरी बात सुने सर। नहीं नहीं, मैं आपको मुझे 46 साल होगा एडवोकेट से हुए जी, और मेरे ख्याल से जो बहुत रेयर हर आदमी कहता है मैंने गुनाह किया, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल ये है, अलग से आप बातियों से तो बहुत कम होते हैं जो बेगुनाह आते हैं, बहुत कम है जो बेगुनाह होते हैं। ये हो सकता है कि उसने क्या कहते हैं युवती सिंह की हो और लड़की सामने ना आई हो तो उसे चक्कू बंद कर दिया हो, ठीक है ना। हार्डकोर क्रिमिनल है, एक हार्डकोर क्रिमिनल है, अपन के जा रहा है, गवाह नहीं मिल रहे तो उसे चरस में बंद कर दिया तो हो जाता है। बेगुनाह सर बहुत मुश्किल है, हजारों बेगुनाह होता है सर। वही कहने का वही बात, चर्चा का जो विषय है वही है कि जो माफिया है उसके पास तो लास्ट जी बिल्कुल, जो माफिया है उनके पास तो दसों तिगड़मे हैं बिड़ाने के लिए, जेल से जमानत पाने के लिए। जो अमीर है वो भी जेल से जमानत आसानी से पा जाते हैं। वही कहने का मतलब है कि जो निर्धन है, गरीब है, वो कहां से जमानत पा पाएंगे। बड़े बड़े माफिया बन रहे हैं, और माफिया माफिया क्या है सर, माफिया पॉलिटिकल माफिया भी है सर, हमारे यहाँ भी प्रोफेशनल माफिया भी है सर, कॉन्ट्रेक्टर माफिया भी है सर, हर जगह माफिया से दिक्कत क्या है सर उसमें। तो इसमें भी एक माफिया नहीं क्या, तो इस पूरे पूरा जो ये जुडिशियरी का सिस्टम है, जो रोड के ठेके होते हैं, नगर निगम के ठेके होते हैं, इनके पास जाते हैं वो बिल्डर्स के। बिल्कुल अनिल बख्शी साहब, आपको नहीं लगता कि पूरा जो जुडिशियरी सिस्टम है, जो पूरा ताना बाना है, इस पे बहुत सारे मूलभूत सुधारों की जरूरत है। इसमें सुधार कैसे आएंगे, कोई बात ही नहीं करना चाहता इन पर, जबकि आम आदमी सबसे ज्यादा त्रस्त है, मुकदमा लगता है, अंडर ट्रायल है, सालों तक घिसता है, पैसा खर्च हो जाता है, घर के बर्तन बिक जाते हैं। अनिल बख्शी साहब, इस बात को तो आप मानते होंगे कि 3-4 महीने में जमानत करवाने में घरों के बर्तन बिक जाते हैं। मेरी बात सुनिए सर। हाँ, 60% 70% केसेस में क्लाइंट खुद कहता है कि डेट लेते रहिए, गवाह तोड़ने हैं, गवाह धमकाने हैं, गवाह क्या कहते हैं उठाने, गवाह मर जाए, तो ऐसी बात नहीं है। जो है तो केसेस बहुत ज्यादा हैं, ग्राउंड रियलिटी बता दूं आपको मैं। नहीं हाँ ठीक है, वही अनिल बख्शी साहब, वही मैं जाना चाह रहा था कि जुडिशरी में जो मूलचूल सुधारों की जरूरत है, जो मूलचूल सुधारों की जो आवश्यकता है, ये कैसे सुधार होंगे, क्योंकि इससे जनता जो है सीधे कनेक्टेड है ना। नाउ इट इज टू लेट, नाउ इट इज टू लेट, मेरा मानना है बहुत देर चुकी है सुधारों के लिए। आप कम से कम हर जगह 20 गुना आप जजों की संख्या बढ़ाइए, संख्या बढ़ानी होगी जजों की। अधिकारी आप शुरू से राइट के लिए जाते हैं, फिर ना अल्ले के चार्जशीट करने के होते हैं, फिर अदालत आते हैं कि तो क्या बारे में हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, सबको पता है, ठीक है सर। फिर गवाह तोड़े जाते हैं, गवाह डराए जाते हैं, गवाह को प्रोटेक्शन नहीं होती है, तो नहीं ठीक है, तो ये बड़ी समस्या है। पहले तो पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाइए ईमानदार, आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो थी पहले ईमानदार थी, अब जो लगता है, जो लग रहा है, वो जो सीबीआई वगैरह भी हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वर्क नहीं कर रही, कोई डिपेंड नहीं कर रही है, तो फला है, दूसरी सरकार आती है इस बिरादरी को नहीं पकड़ना है, किसी सरकार की इच्छा है, ये डाउन रियलिटी जिसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल सिस्टम अगर है, अगर डेमोक्रेसी है, तो हमको उसका ये प्राइस देना ही पड़ेगा निश्चित तौर पे सर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीनियर एडवोकेट थे हमारे साथ अनिल बख्शी साहब।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और आपने तमाम बातें रखी और बहुत खूबसूरती के साथ आपने समझाया कि कहां पर क्या क्या समस्याएं हैं। दर्शकों, दरअसल आज इस मुद्दे को एक अलग नजर से देखने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि आर्यन खान को जमानत मिल गई, शाहरुख खान के घर पर बाकायदा आतिशबाजी हो रही है, उनके प्रशंसक हैं जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ठीक है, एक परिवार का मसला था जिसका बेटा एक मामले में जेल चला गया था और अब वो जमानत पर बाहर आ चुका है। ठीक है, ये अच्छी बात है उनके परिवार के लिए कि उनके घर में जो उनकी माता है, उनके पिता है, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन ये देश का मसला कैसे हो गया? अगर इसको देश का मसला बनाना है तो ऐसे बनाइए कि देश में आर्यन खान की तरह ही 330,487 लोग ऐसे हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं। कब जमानत होगी कोई बात नहीं करना चाहता, कब जमानत की प्रक्रिया शुरू होगी कोई बात नहीं करना चाहता, कोर्ट कब से इस मामले को खींच रही है कोई बात नहीं करना चाहता, कहां से वकील आएगा कोई बात नहीं करना चाहता। और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो लड़े तो तब लड़े जब उनके पास साधन हो, घर का बर्तन बिक जाता है, घर का चूल्हा बिक जाता है, सिलेंडर बिक जाता है और कई मामलों में तो खुद घर ही बिक जाता है, तब जाके बेटा बाहर आता है, पति बाहर आता है या पिता बाहर आता है, और जब तक वो बाहर आता है तब यहां घर बिक जाता है। तो दर्शकों, अगर न्यायपालिका की हम बात करें, अगर न्यायपालिका पर कुछ भी कहना अगर कंटेम्प्ट हो सकता है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये बात सोचने वाली बात है और आर्यन खान के बहाने ही सही, इस चीज को समझिए कि पैसे वालों के लिए न्यायपालिका कि जो कार्य प्रणाली है वो किसी और तरीके से चलती है और जो निर्धन है, गरीब है, आम है, उनके लिए दरअसल किसी और तरीके से चलती है। तो न्यायपालिका समान है और आपके साथ समानता का व्यवहार कर रही है, ये कैसे हो सकता है? पुलिस वाले आपको सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर लेते हैं, आईपीसी के तहत आपके ऊपर धारा लग जाती है, आप जेल चले जाते हैं, कोर्ट्स का काम है कि आप पर ट्रायल करें, आप अंडर ट्रायल रहते हैं, उसके बाद आपको जमानत मिलनी है, ठीक है, नहीं मिलनी है तो खारिज है, खारिज है के बाद आप दोषी सिद्ध होते हैं तो आपको सजा मुकर्रर होती है। लेकिन कई मामलों में ऐसा है कि जो निर्धन है, जो गरीब है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जेल के अंदर मुचलका भर के अपनी बैरिक बदलवा ले, वो जेल में काम करके वहीं दाल रोटी खा रहा है, उसकी बाहर जमानतिया कोई है ही नहीं, जमानत करने के लिए कोई है ही नहीं, पैरोकार कोई है ही नहीं, तो वो क्या बाहर आएगा और कैसे बाहर आएगा? तो दर्शकों, ये जो दो दो चीजें आप समझ रहे हैं इसको समझिए कि आर्यन खान जब जेल गया उसके ऊपर बकायदा एक मुकदमा लगा, वो जेल गया बकायदा एक भारी भरकम अमीर सेलिब्रिटी टाइप, एक वकीलों की फौज उसके पीछे खड़ी थी, उसके साथ कदम ताल कर रही थी और पीछे से धन वर्षा हो रही थी जिसको शाहरुख खान ऊपर से कर रहे थे। तो ऐसे में उनका बेटा 25 दिनों के बाद बाहर आ सका, इसके पीछे क्या सियासत थी, क्या एनसीबी एनसीपी ये सब कुछ क्या था वो अलग विषय है, लेकिन ये सोचिए कि पीछे से धन वर्षा हो रही थी वकीलों के ऊपर और वकील अपनी ज्ञान वर्षा कर रहे थे जजों के साथ और जज जो थे वो समय ले रहे थे और आज फिलहाल 25 दिनों के बाद आर्यन खान को जमानत दे दी। अब ऐसा सोचिए कि जहां ना तो धन वर्षा है, ना जहां पर ना तो वकीलों की ज्ञान वर्षा है, ना तो जज भी कुछ इंटरेस्टेड नहीं है कुछ मामलों, तो ऐसे में क्या जमानत मिलेगी और कैसे जमानत मिलेगी? 330,487 लोग आज भी अंडर ट्रायल है भारत में और यह संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। दर्शकों, इससे पहले हमने दो तीन मामले ऐसे देखे हैं जहां पर विष्णु तिवारी की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के थे, 20 साल तक जेल में रहे, 20 साल बाद छूट पाए, उनके जो 20 साल गए वो कौन लौटाएगा, कौन मुआवजा दे पाएगा? किसी सरकारों की इतनी औकात नहीं है मुझे नहीं लगता जो उनको मुआवजा दे पाए 20 साल का। जगजीवन राम 37 साल जेल में काट गए, बाहर निकले 37 साल बाद, कौन सी कोर्ट, कौन सी एजेंसी, कौन सी पुलिस उनको उनके 37 साल लौटा पाएगी, कौन सी सरकार लौटा पाएगी? कोई नहीं। तो दर्शकों, दरअसल यही फेर है कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, हर चीज एक नोट के पीछे चलती है जो नोट आपको दरअसल नजर नहीं आता। अगर आप कहीं भी समानता की बात करते हैं कि समान अधिकार हैं तो ये बातें सिर्फ मटमैली हैं, समानता कहीं नहीं नजर आती, समानता का ना तो भाव नजर आता है, अमीरों के साथ अलग सलूक है और गरीबों के साथ अलग सलूक है। अलग की बात बाद में करें, वो तो आम है और आम को
चूस ही लिया जाता है। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।